सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे, अरे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, अरे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, अरे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन आदरणीय श्री आलोक प्रसाद जी के दिशा निर्देश पर 3 अगस्त 1947 को परम आदरणीय बाबा साहब को कानून मंत्री बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अवसर पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्देश हुआ था, तो हम कानपुर नगर ग्रामीण के समस्त पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी सारे लोग मिलकर आज बाबा साहब के इस पुनीत अवसर दिवस को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने दलितों और हरिजनों पर अत्याचार जुल्म सितम ढा रखा है, उसके विरोध में इस दिवस को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। इसी क्रम में आज हम लोग पद यात्रा निकाल कर बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर इस स्वाभिमान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। मैं सुनील वाल्मीकि नगर ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूँ। आज जिस तरीके से हमारे बाबा साहब को सम्मान भरा पद दिया गया था, कानून मंत्री आज के दिन मनाए गए थे 1947 में, आज हम लोग उनकी प्रेरणा लेके आज हम लोग यात्रा निकाली है, पद यात्रा निकाल के उनके चित्र पर माला अर्पण करके हम लोगों ने एक उनके चरण छू कर आज कसम खाई है। बाबा साहब के जो संविधान लिखे गए हैं उस संविधान को छेड़ने की कोशिश किसी ने की, और बीजेपी सरकार को हिदायत देते हैं दलित समाज, बीजेपी सरकार ने संविधान को छेड़ने की कोशिश की तो बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम दलित समाज। बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुजन समाज के जो लोगों को एक सूत्र होकर एक काम करे, एक हमारे दलित की नेता थी बहुजन समाज के मसीहा बनने वाली, जिसको हम कहने वाले मायावती जी, आज हम लोगों को दलितों को नकारने का काम किया है कांग्रेस ने। हमारी कांग्रेस ने दलितों को जोड़ा है, दलितों को सम्मान दिया, इतने बड़े महापुरुष को कांग्रेस सरकार ने। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।